Hi, I'm Dr. Hiranmayee Jha. I'm an aesthetic plastic surgeon practicing at Etona Vision and Aesthetic Clinic located at Shivalik Malviyanagar, South Delhi. And today's topic for discussion is breast reduction surgery. What are the indications? Ya agar hum baat kare to kin logon ko iski zarurat hai ya fir iski problem statement kya hai? So let's discuss about what are the problems faced by the group of people who are needing or who are eligible for breast reduction surgery. So number one is having a lot of back pain which is developed due to increase in the size of breasts, and kitne bhi MRI aur ye karane ke baad aap usse relief nahi kar pa rahe ho khud ko. Number two, chronic bra strap grooves jo ki aapko irritation deti hai, recurrent fungal infection. फंगल इन्फेक्शन जो कि बार बार हो रहा है उन ग्रूव्स में ड्यू टू दी ओवरसाइज ब्रेस्ट. देन लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डिफिकल्टीज इन वेयरिंग टाइट फिटेड क्लोथ्स टू अटेंड पार्टीज और फंक्शंस, एंड लॉस ऑफ सेल्फ इमेज. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो भी फीमेल्स फेस कर रही हैं, दोज आर द कैंडिडेट्स फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. सो आज हम बात करेंगे हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एंड व्हाट आर द आफ्टर केयर्स. सो ए टू जेड ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ब्रेस्ट रिडक्शन. सो द फर्स्ट थिंग इज टू विजिट अ प्लास्टिक सर्जन. अ प्लास्टिक सर्जन इज द राइट पर्सन हु विल गाइड यू टू इन योर जर्नी टुवर्ड्स अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी एक बेसलाइन इमेजिंग चाहिए ब्रेस्ट की बिफोर यू ऑप्ट फॉर रिडक्शन. इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि किसी भी जनरल एनेस्थीसिया के लिए आपको रिक्वायर्ड है एज पार्ट ऑफ प्री एनेस्थेटिक फिटनेस. नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी एज सर्जरी हैज टू बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया. तो इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है आखिर? तो जो आपकी ओवरसाइज ब्रेस्ट है जो कि ईदर ड्यू टू प्यूबर्टी के टाइम बढ़ गई है साइज में, या पोस्ट प्रेगनेंसी साइज में इंक्रीज है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर कोई और भी कारण हो वेट गेन की वजह से है, तो उन केसेस में जो ओवरसाइज ब्रेस्ट है उसमें जो ब्रेस्ट टिश्यू है, स्किन एनवेलप है, उसको एक्सेस टिश्यूज को हटाया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ टिश्यूज नीडेड टू बी रिमूव्ड यू कैन गो फॉर इधर अ माइल्ड, मॉडरेट और अ लार्ज रिडक्शन. नाउ वॉट नेक्स्ट इट हैज टू बी डन इज टू सिमेट्राइज बोथ द ब्रेस्ट. दोनों ब्रेस्ट को एक समान लेवल पे सिमेट्री मेंटेन की जाती है, और जो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है मेंटेनिंग द ब्लड सप्लाई उसको एक न्यू पोजिशन पे रीपोजिशन किया जाता है. सो दिस इज योर एंटायर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. इसमें होता क्या है? अब आप जब एनेस्थीसिया और इसके बाद निकलते हो सर्जरी से तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो बेसिकली आपको एक ड्रेसिंग लगी रहती है और आप हॉस्पिटल से 1 या 2 दिन की स्टे के बाद डिस्चार्ज होते हो. जब आप वापस फॉलोअप के लिए आते हो जो सूचर्स वगैरह होते हैं वो रिजॉर्बेबल होते हैं, तो उनको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, और आपके जो सर्जन है वो आपको एक स्पोर्ट्स ब्रा देते हैं जो कि आपको पोस्ट ऑप पीरियड में पहनना पड़ता है. इसके अलावा जो आफ्टर केयर्स है, जैसे कि आपको कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी वर्क से, तो कम से कम 1 to 2 weeks का आपको गैप रखना चाहिए बिफोर यू जॉइन बैक योर वर्क. नाउ द टोटल हीलिंग पीरियड इज 4 to 6 weeks. इसमें आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज फर्स्ट वीक के बाद कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइजेस है उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते का इंतज़ार करना चाहिए लाइट एक्सरसाइजेस के लिए. और जो हैवी एक्सरसाइजेस हैं या वेट लिफ्टिंग है या स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज इन द जिम, उसके लिए यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स. नाउ कमिंग टू द स्कार्स. नाउ स्कार्स जो आते हैं किसी भी सर्जरी की, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिडक्शन अप्रोच किया गया है. अगर हमने इसमें माइल्ड किया है या मॉडरेट किया है, उस हिसाब से आपको स्कार्स आती है. यू कैन गेट ईदर अ पेरी एरियोला स्कार जो कि आपके ब्लैक एरियोला के चारों तरफ आती है, और यू कैन गेट अ एंकर शेप्ड स्कार जो कि एरियोला के साथ एक वर्टिकल सी आपकी लाइन भी मिलती है. इसके अलावा आपको मिल सकती है एक टी शेप्ड स्कार जो कि लार्ज रिडक्शन से मिलती है. नाउ ये जो स्कार्स होते हैं इनिशियली आपको दिखते हैं, ग्रेजुअली दे फेड विद टाइम, एंड अगर कंफर्टेबली किया गया हो तो स्कार्स आर इनविजिबल. लेकिन
if you have a tendency towards scarring, then there is something called hypertrophic scars or keloids, then you might get scars. So in that scenario, you are liable to get more scarring compared to a normal individual. Now, what are the other questions that comes to your mind while you go for breast reduction surgery? Suppose you are in the pubertal age, 18 से बाई उस समय आपकी breast की size increase हुई है, तो क्या आप सही candidate हो breast reduction के लिए? तो आप absolutely you can go for breast reduction surgery during the age group of 18 to 22 years also. और उसमें जो है कई बार आप थोड़ी सी less invasive procedures को opt कर सकते हैं. Another question which comes to your mind कि can I plan my pregnancy post reduction? Yeah, you can definitely go for breast reduction post. You can definitely go for planning your pregnancies post breast reduction surgery. And the only thing is, you might face some amount of difficulties in breastfeeding, which is anyways also experienced by so many females in nowadays. So that you have to keep in mind that you can plan your pregnancy even after your breast reduction surgery, but there are chances of increase in the breast tissues post pregnancy, so you might have to deal with that. So these are the various aspects of a breast reduction surgery, and I hope this video is of some help to you to get a knowledge base about this surgery. And if you have any queries related to the topic, you can write us to the comment in the comment section below, or drop us your comments or call us on our number which is mentioned here. So we will be making more informative videos regarding breast reduction surgeries and breast surgeries, and like and subscribe to our channel to get yourself updated about more plastic surgery related information if you are wanting to go for any of them. Thank you.